अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्ला। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है, आज मैं आपके लिए एक एक्स्ट्रा पावर का कॉर्डलेस इम्पैक्ट रेंच लेके आया हूँ। देख लीजिए आप, ये इसका बैटरी पैक है और ये जो है, ये बैटरी ऐसे इसमें लगती है और यहाँ पे इसमें सॉकेट जो है, सॉकेट्स लग जाते हैं। और ये आप देख लीजिए, मैं आपको क्लोज इसका एक लुक दिखाता हूँ इसका। तो ये देख लीजिए, ये इसकी बैटरी है जिसमें लगा लिया मैंने, और ये इसमें जो है ऐसे निकल जाती है। ये इसका रिलीज बटन है इसका। तो ये देख लीजिए, जब मैं ये बटन दबाता हूँ तो इसमें ब्रेक लग जाती है, कुछ चल के बंद हो जाएगा खुद। ये देख लीजिए, ये ब्रेक है इसकी। जब मैं वापस बटन दबाता हूँ इसका तो ये बिल्कुल चलना स्टार्ट हो जाती है। ये रिवर्स बटन जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। ये देख लीजिए आप, ये इसका लुक है। और इसकी डिस्क्रिप्शन जो है, ये 21 वोल्ट की बैटरी है और नो लोड स्पीड में 2060 यानी 2060 आरपीएम है इसका। मैक्सिमम टॉर्क जो है इसका 320 एनएम है और बैटरी कैपेसिटी जो है वो 3000 एमएएच है। वो और दूसरा बैटरी पैक भी दी हुई है इसके साथ। ये देख लीजिए आप, एक तो ये है, एक दूसरी बैटरी दी हुई है, एक इसमें एडवांस्ड लुब्रिकेंट दिया हुआ है और एक चार्जर है। और इसमें कैरी करने के लिए एक बेल्ट है जो ऐसे ना कोई लटका के रखता अपने बेल्ट के साथ। और यहाँ पे जो है इसके सॉकेट्स दिए हुए हैं, बड़े बड़े सॉकेट भी है इसके साथ। तो इसका मतलब ये काम अच्छा करता है। और ये इसमें स्क्रू खोलने के लिए बहुत सारे इसमें अटैचमेंट्स दिए गए हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्क्रूज जो होते हैं वो खोलने के लिए। इसमें बिट भी दिए हुए हैं और ये जो है लकड़ी में सुराख करने के लिए है। ये वाले बिट जो है ये लोहे में सुराख करने के लिए है। और ये वाला जो है, ये तो आपको पता ही है, माइनस वाला स्क्रू खोलने के लिए और ये वाला स्क्रू खोलने के लिए। पहले हम स्क्रू का टेस्ट करते हैं कि ये कैसे काम करता है और मैं दिखाता हूँ आपको। सबसे मेन जो हमें लगाना होता है इसमें वो ये वाला है, ये वाली अटैचमेंट है। तो ये वाली जैसे लग जाती है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको दबा के रखना है और ये इसके अंदर डाल देना है। तो स्क्रू जो है हमारा खुल भी जाएगा और बंद भी हो जाएगा। ये देख लीजिए आप, इसके बाद जो एक अहम अटैचमेंट है इसकी, वो मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे ये वाली अटैचमेंट है, ये मेरे हिसाब से बहुत ज़बरदस्त अटैचमेंट है। ये वाली अटैचमेंट जो है, ये यूजुअली जो होती है, ये डाई ग्राइंडर जो होते हैं ये उसमें होती है। जैसे किसी अंदर जगह पे आपको स्क्रू खोलना है तो ये उसमें जो है स्क्रू खोल लेता है। थोड़ा इसका टेस्ट भी करते हैं, स्क्रू खोलता है कि नहीं खोलता है। एक सेकंड मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें हम एक बिट लगाते हैं सामने से, मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख लीजिए, जैसे मैं ये स्क्रू जो है, ये यहाँ पे स्क्रू है तो आप देख सकते हैं, ये एक मैंने लकड़ी का पीस लिया है और इसमें स्क्रू एक लगा के हैं। तो हम इसको निकालने की कोशिश करेंगे, देखते हैं ये वर्क करता है कि नहीं। ये हम रिवर्स मोड पे मैंने रख दिया है इसको और इसमें हम ये लगा लेते हैं ऐसे। ये देख लीजिए आप, ये देखते हैं खोले, ये देख लीजिए बिल्कुल खोल दिया, इजीली लगा दिया ये और खोलते खुला भी है आराम से। तो उसके बाद जो है हम आपको दिखाते हैं कि जैसे ये क्लेम करता है कि ये गाड़ियों के नट भी खोलता है, स्कूटी या बाइक्स के भी नट खोलता है। तो हम देखते हैं वर्क करता है कि नहीं करता है वर्क। तो इसमें हम जैसे ये वाली अटैचमेंट है जो गाड़ियों के नट वगैरह खोलने में लगती है, ये ऐसा लग रहा है कि ये बिल्कुल वर्क करेगा। ये हैवी भी बहुत ज़्यादा है। तो मैं आपको थोड़ा इसका टेस्ट करके बताता हूँ कि ये वर्क करता है कि नहीं करता है। तो मैं इसको अपनी गाड़ी पे यूज़ कर लेता हूँ कि ये मेरी गाड़ी के जो नट बोल्ट होते हैं और टायर के, वो खोलेगा कि नहीं, क्योंकि वो बहुत टाइट बंद किए होते हैं। और अगर उस पे ये वर्क किया इसने तो इसका मतलब ये है कि ये बिल्कुल प्रोडक्ट अच्छा है। तो इस पक ब्रो, आगे कौन जो कौन हो
तो दोस्तों आपने देख ही लिया अपनी गाड़ी पे, मैंने इसको ट्राई करके देखा और ये बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। ये बिल्कुल बहुत पावरफुल ये इम्पैक्ट रेंज है और 320 Nm टॉर्क तो बहुत ज्यादा होता है। तो मैं खासकर जो काम करने वाले दोस्त है, जो गाड़ियों की एसेसरीज लगाते हैं या जो मिस्त्री लोग हैं, तो उनके लिए ये सबसे बेस्ट टूल है। और जहां तक इसकी रेट की बात है, रेट में आपको सबसे बेस्ट दूंगा, क्योंकि आपको मैंने बताया है कि ये चैनल ही का मकसद ही मैंने उन भाइयों के लिए रखा है जो मार्केट से महंगी चीजें परचेज करते थे। तो ये मैं उनको दे दूंगा 5700 रुपीज। 5700 रुपीज सबसे बेस्ट रेट है। तो जिस भाई ने अभी तक फॉलो नहीं किया है और हमारे यूट्यूब की चैनल सब्सक्राइब नहीं की है, तो वो मेहरबानी करके हमारे यूट्यूब की चैनल सब्सक्राइब कर ले और फेसबुक पेज फॉलो करे, ताकि सारे बेनिफिट जो हमारे पास मिल रहे हैं वो अवेल कर सके। तो दीजिए इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।